दाल के साथ जब भी आपका मन कोई सूखी सब्जी बनाने का करे तो आप बहुत ही आसान तरीके से आलू और बरबटी की सब्जी बनाइए। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई है, तो आप इस वीडियो को देखिए पूरा और एंजॉय कीजिए और आप भी बनाइए। तो आज हम बनाते हैं बरबटी और आलू की सूखी सब्जी। यहाँ पर मैंने ये फली ली है और आलू लिए हैं, तो सबसे पहले आलू और फली को हम काट लेंगे। यहाँ मैंने फली और आलू काट लिए और कढ़ाई में तेल भी गर्म हो रहा है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम इसमें ये मैं हींग डाल रही हूँ। हींग डाल इसके बाद जीरा और जीरा डालने के बाद यहाँ लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन थोड़ा ज्यादा लिया है मैंने और इनको अच्छे से सेक लेंगे। लहसुन के बाद हम प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है और साथ में हरी मिर्च भी डाल देंगे और जब प्याज गोल्डन हो जाए तो इसमें हम आलू और फली को डाल देंगे। आप देख ही रहे हैं कि प्याज को मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है। सब्जी एक बार हम चेक कर लेते हैं पकी कि नहीं। आलू को देख लेते हैं क्योंकि आलू पक गए होंगे तो फली भी पक ही गई होगी। देख सकते हैं आप पक गए हैं आलू। अब इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर डाल देते हैं और मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ नमक हल्दी और सब्जी मसाला डाला था। इसमें धनिया पाउडर नहीं डाला था और न ही मिर्ची पाउडर डाला था। तो अभी हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देंगे। यदि आप तीखा नहीं खाते हैं तो मैंने पहले हमने हरी मिर्च डाल दी थी, तो लाल मिर्च आप ना भी डालें तो भी चलेगा। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस स्टेज पर आप थोड़ा सा पानी डाल दें, बहुत ज्यादा पानी नहीं। यदि आपको जरूरत लगती है तो पानी डालें। मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि जो हमने धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर डाला है तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने आपने देखा ना कि मैंने जरा सा पानी डाला है, उसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि सब्जी ऑलमोस्ट पक ही गई है। और इसको हम दोबारा से ढक देंगे। हम दोबारा से सब्जी चेक कर लेते हैं कि टमाटर गले हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं सब्जी अच्छे से पक गई है, टमाटर भी पूरी तरह से गल गए हैं, मिक्स हो गए हैं सब्जी में। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और सब्जी बनकर तैयार हो गई है।